हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और उसमें जो आपका सीएचएसएल का पेपर है वो अगस्त में उसकी डेट आई है तो बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि मैम सीएचएसएल के लिए कोई प्रैक्टिस बैच चला दीजिए या पेपर आने वाला है तो उससे रिलेटेड कुछ करवा दीजिए तो ये वीडियो आपकी ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि एस एस सी सी एच एस एल पे फोकस्ड एक बैच आपका लाया जा रहा है जो एक क्रैश कोर्स होगा क्योंकि जैसा कि अभी आप जानते हैं दो से ढाई महीने हैं हमारे पास तो कंप्लीट कोर्स तो पॉसिबल नहीं है आप भी जानते हैं सिक्स टू सेवन मंथ्स लगते हैं कंप्लीट कोर्स करने में तो हम लगभग एक क्रैश कोर्स ला रहे हैं अब उस क्रैश कोर्स में क्या होगा एक तो आपका हाँ फटाफट क्विक एक, एक रिविजन होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं एक हम पहले उसको टारगेट रखेंगे कि उसको कंप्लीट करना है प्लस हम साथ में ही क्या करते हुए चलेंगे मॉक करते हुए चलेंगे मॉक और प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं उनको हम जितना पॉसिबल हो पाएगा कर पाएंगे और शुरू में हमने टारगेट रखा है थर्टी मॉक कि थर्टी मॉक हमें करने हैं सारा कोर्स का रिविजन करना है प्लस हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं वो कैब इसमें डेली रहेगी आपकी डेली आपका हम स्टार्टिंग से ही वो कैब करते हुए चलेंगे क्योंकि वो कैब एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो डेली वो रिवीजन रिविजन और मॉक टेस्ट आपका शुरू से ही चलता रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है जितना थ्योरी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना तो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल सही तरीके से डे वन से ही लेकर चलनी पड़ेगी तो क्रैश कोर्स इसी लिए एस सी, एस सी एस सी एच के लिए लाया गया है अब इसका जो चार्ज रहेगा वो हमने एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज रखा है <laughs> क्योंकि क्या हुआ अगर बिल्कुल फ्री में दे दिया जाए जैसा अभी हमने फ्री बैच एक चलाया था तो फ्री बैच में जनरली क्या होता है कि सीरियस स्टूडेंट्स नहीं आ पाते और कोई भी उसको ज्वाइन कर लेता है और हमें एक अच्छे स्टूडेंट्स मिल नहीं पाते हैं जो कि सीरियसली उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसीलिए इस बार मुझे एसएससी के लिए सिर्फ ऐसे बच्चे चाहिए जो बिल्कुल फोकस्ड हो और जिनका टारगेट हो सिर्फ एग्ज़ाम को निकालना ना कि वो टाइम पास करने के लिए क्लास में आए ठीक है तो आपका चार्जेस रखा गया है लगभग ढाई महीने का कोर्स होगा और आपके प्राइस है उसके टू मतलब कि लगभग लगा लीजिए आप पर मंथ आपको हंड्रेड रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगा तो आई थिंक जो प्राइस है वो बिल्कुल नॉमिनल है इससे क्या होगा हमारे पास एक जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो ही हमें मिलेंगे जो कि सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं और क्या चीज़ है कि आप जानते हैं कि सी का पेपर कब है अभी जुलाई में है सी का पेपर तो अगर हम सी एच एस एल से कंपेयर करें तो सी एच एस एल थोड़ा सा हार्ड आता है सी जी एल थोड़ा ईजी आता है क्यों क्योंकि क्यों सी जी एल में आपका टीयर वन टीयर टू होता है लेकिन सी एच एस एल में तो आपको एक ही पेपर होता है तो सी एच एल सी एच एस एल थोड़ा सा टफ आता है तो अगर सी एच एस एल वाले बैच की प्रैक्टिस सी जी एल वाले बच्चे करें जो सी जी एल देना चाहते हैं या जिनका जुलाई में पेपर है वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल रहेगा बट सिर्फ एक डिफरेंस है कि सी एच एस एल वाले बच्चे अगस्त तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाकी जो बच्चे सी जी एल दे रहे हैं वो सी एच एस एल भी देते ही है तो कम्प्लीट ही आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा पूरा का पूरा बैच तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा कि डेट क्या है कब से स्टार्ट होने वाला है आपका बैच तो आप लोग तैयार रहिए और और जो प्राइस रखा गया है 249 ये आपका लिमिटेड टाइम ऑफर है उसके 10-15 दिन बाद चार्जेस को बढ़ा दिया जाएगा तो स्टार्टिंग में अभी आप लोग सभी बच्चे इसमें कोर्स में, में एनरोल कर लें जो भी पढ़ना चाहता है जो पढ़ना चाहता है वो कोर्सेज में एनरोल कर लें ठीक है तो अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच